इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है अयोध्या केस की सुनवाई के लिए नई बेंच का गठन। यहाँ पर एएनआई की यह खबर है, इस वक्त की सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट खबर, आप समझ लीजिए। बेंच में जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस अब्दुल नजीर जुड़ गए हैं। चीफ जस्टिस ने नई बेंच का गठन किया है 29 जनवरी को। आप जानते हैं 5 जजेस की नई बेंच अब सुनवाई करने वाली है और इस वक्त दो नए नाम, दो नए चेहरे आपके सामने अयोध्या मामले में नई बेंच के गठन के बाद। तो अयोध्या मामले में नई बेंच का गठन हो गया है। अब ये नई बेंच जो है 29 तारीख को सुनवाई करेगी। बेंच में जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस अब्दुल नजीर जुड़ गए हैं। निपुण सहगल मेरे सहयोगी जुड़ गए, उनका रुख करते। निपुण, व्हाट्स द अपडेट? देखिए, अपडेट ये है कि जस्टिस यूयू ललित तो हटने की मंशा जता ही चुके थे। एक और जज अब नहीं होंगे, जो पहले जो बेंच बैठी थी इससे पहले एनवी रमना। इन दोनों जजों के बदले अब जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एस अब्दुल नजीर बेंच में है। बेंच अभी भी 5 जजों की है। अब चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस एस ए बोबड़े, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एस अब्दुल नजीर। खास बात यह है कि जो पहले जो बेंच बनी थी उसमें 5ों वो जज थे जो या तो अभी चीफ जस्टिस है या आने वाले समय में चीफ जस्टिस जिन्हें बनना था, लेकिन अब जिन 2 जजों को शामिल किया गया है, अशोक भूषण को और एस अब्दुल नजीर को, ये दोनों जज इससे पहले के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के साथ इस मामले की सुनवाई कर रहे थे। यानी ये दोनों जज पुराने जज हैं जो इस मामले को सुन रहे थे। ऐसे में 5 जजों की बेंच पे इन्हें जगह दी गई है। आपकी आवाज क्लियर नहीं है, लेकिन खबर बिल्कुल क्लियर हो गई है कि अब ये जो नई बेंच है उसमें वो 2 चेहरे जो अब दिखेंगे और 2 जजेस जो सुनवाई करेंगे वो पहले भी दीपक मिश्रा के साथ इस केस में सुनवाई कर चुके हैं। निपुण, बहुत बहुत शुक्रिया। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।